नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। इसराइल में 29 हफ्तों से जिस बिल का विरोध हो रहा था, आज संसद में वो बिल पास हो गया, जिसके बाद इसराइल की सड़कों पर युद्ध जैसा नजारा देखने को मिला। राजधानी की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच जमकर टकराव हुआ। इस बिल के पास होने के बाद इसराइल का सुप्रीम कोर्ट सरकार के किसी भी फैसले को गलत बताकर खारिज नहीं कर सकेगा। बिल पर वोटिंग के दौरान हजारों लोग राजधानी तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरह हो गए हैं, वो देश को तानाशाही की तरफ धकेल रहे हैं। आपको बता दें, इसराइल की जनता पहले दिन से ही इस बिल का विरोध कर रही थी। इसराइली एयरफोर्स के पायलटों ने भी इस बिल के विरोध में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लोग इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनका कहना है कि इसराइल में तानाशाही नहीं चलेगी। इस बिल के पास होते ही प्रदर्शनकारियों ने अपना प्रदर्शन और तेज करने की चेतावनी दे डाली है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और हालात बेकाबू हैं। पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसराइल की संसद में इस बिल पर वोटिंग के दौरान सभी विपक्ष के 56 सदस्यों ने इसका बायकॉट किया, जिसके बावजूद 64-0 से ये बिल पास हो गया। संसद में विपक्षी नेता येर लिपिड ने कहा कि संसदीय इतिहास में आज का दिन दुखद दिन के तौर पर याद किया जाएगा। सरकार ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। हम बहुत जल्द इस बिल और प्रोसेस को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। येर लिपिड ने आगे कहा कि सरकार और उसके सहयोगी दल ये तय करें कि देश को किस तरह से आगे लेकर जाना है। इंसाफ के मामलों से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमारे रिजर्व फोर्स के कुछ लोग फौज छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि विरोध सही हो सकता है, ये करते रहिए, लेकिन देश सेवा का जो आपको मौका मिला है उसे मत छोड़िए। मीडिया से बातचीत के दौरान येर लिपिड ने कहा कि नेतन्याहू बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है। इसराइल में इस वक्त प्रधानमंत्री पद जैसा मुझे कुछ नजर नहीं आता। प्रधानमंत्री तो कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। इससे देश में नफरत और बढ़ेगी। आपको बता दें, इस बिल ने इसराइल को काफी हद तक दो हिस्सों में बांट दिया है। इजरायली सेना की रीढ़ माने जाने वाले पायलटों ने कहा है कि वो सेना को अपनी सेवा देने से मना कर सकते हैं। इस बिल पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, जरा इस पर भी नजर डाल लेते हैं। जनवरी 2023 में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर एक प्रस्ताव पेश किया था। इसके पास होने पर इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का अधिकार मिल जाएगा। संसद में जिसके पास बहुमत होगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देगा। इतना ही नहीं, सरकार जजों की नियुक्ति में भी दखल दे सकती है। इसराइल की जनता इसे देश के लोकतंत्र और सुप्रीम कोर्ट पर हमला मानती है, इसलिए 29 हफ्तों से इस बिल का विरोध किया जा रहा है। आज ये बिल संसद में पास हो गया, जिसे लेकर पूरे इसराइल में बवाल मचा हुआ है। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।